सर सर लुकिए सर समीर सर मस्तक ऊंचा करे मुझे मस्तक ऊंचा मत करो उधर 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 रात ना है कोई नहीं है क्या करने का आप गलत वाला है क्या मुझे नहीं चाहिए था ये चलेगा इम्पोर्टेंट ये देख अभी क्यों भाग रहा है उधर ले 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 सुरों के रंग कलर्स के संग जो है ये हमने पहले सोचा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो बहुत म्यूजिशियंस है बहुत सिंगर्स है आर्टिस्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि उनको अपना कला नेशनल टेलीविजन पर दिखाने के लिए और शुरुआत हम तो हमने सोचा कि अगर शुरुआत करना है और इसको मशहूर करना है तो कुछ दमदार होना चाहिए तो इसलिए हमने टीसीएस के साथ जुड़ा क्योंकि अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम है जिसने न्यू टैलेंट के लिए कुछ किया है तो सबसे बड़ा नाम जो आता है गुलशन कुमार जी का आता है तो हमने सोचा कि उनका 30th एनिवर्सरी भी है सो साथ मिल के क्यों ना किया जाए जब भी हम कोई म्यूज़िक इवेंट करेंगे तो हम सुरों के रंग कलर्स के संग प्लेटफॉर्म के अंडर करेंगे देखते जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम फिक्स हो राज इसके साथ ही बिग बॉस के बहुत लोगों को मतलब आशंका है लोग उत्साहित हैं क्या होने वाला है कब होने वाला है 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी हाँ होगी अगले हफ्ते 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब आइएगा कंटेस्टेंट्स कौन कौन होंगे उसके बारे में अरे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा चौपट हो जाएगा उस दिन कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे आप नहीं ये शो इस शो के बारे में बात करते हैं मीका पाजी ने ये कहा कि मुझे जाना है अगर मुझे बुलाएंगे तो कुछ हाँ बहुत पैसे मांग रहे हैं मीका पाजी तो वो आएंगे तो हम लेंगे उनको इस बार का जो बिग बॉस है वो इजरायली शो पावर कपल से इंस्पायर्ड है कितनी सच्चाई है इस बार ये तो आपको 29 को जब आपने हमारे 28 को जब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे आपको पता चल जाएगा आज आप है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मान होते हैं होस्ट होते हैं लेकिन कंटेस्टेंट्स के बारे में पता नहीं चल पाता हम लोगों को क्योंकि लोग उसी में तो मिस्ट्री और फॉर्मेट ऐसा है कि जहां कंटेस्टेंट्स के बारे में हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हम भी लास्ट मिनट तक हमको भी नहीं पता चलता है क्या बात कर रहे हैं आपको तो मालूम होगा नहीं नहीं हम एक बड़ा लिस्ट बनाते हैं मगर लास्ट मिनट में उस लिस्ट में से स्लैश होके थोड़े लोग अंदर चले जाते हैं आपकी पसंद का कोई है या नहीं बताओ शायद होगा इस साल नंबर मैम है यार
इतना जुड़ने के बाद भी सर ये लेफ्ट में सर सर लेफ्ट में सर सबसे मेमोरेबल रही है और ये तो जानते हैं कि आशिकी मतलब जो ब्लॉकबस्टर दिल के मानतानी सड़क साथी दिल ये सभी सुपर डुपर हिट इट वाज फॉर मी एक गोल्डन हीरा रहा है वो तो गुलशन कुमार के साथ कुछ यादें हमें बताएं कुछ बातचीत हुई कभी कुछ नहीं मतलब बिल हम सभी मिलकर लाइक अ फैमिली हम लोगों ने ये सब साथ में काम किया है इट्स बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि सारे जितने मिस डायरेक्टर्स वगैरह जो रहे जिस तरह से लेगेसी गुलशन कुमार ने कवर की उसको कैसे आप देखते हैं जो लेगेसी गुलशन जी ने शुरू की थी बड़े बखूबी भूषण ने उसको निभाई है अभी भी तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट और लास्टली पिछले 30 साल से जो टी सीरीज है किस तरीके से देखती है म्यूजिक का जो एरा है वो किस तरीके से बदला है 30 सालों में देखिए म्यूजिक म्यूजिकली मेरा तो बदला है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस लेकिन आज के एरा के मुताबिक जैसा जो भी हो रहा है उसको बहुत बखूबी भूषण निभा रहा है सारे ही गाने अरे पॉसिबल ही नहीं वो बाइक मत करो यार सुनो अरे यार अनुराधा पौडवाल का बस मैं कौन जो लता मंगेशकर थोड़ी थी भाई ये हाँ यार भाई अरे सर इधर अरे बैठ सर सर हाँ सर बस बस एक नंबर एक मिनट सर एक नंबर वो ले लोगे ना बैटिंग बाइक नहीं ला रहे 10 मिनट बस ये निकल आसान चालू
अरे क्या आप पूरा हाथ करके ना कर रहे हो तभी तो होगा आयुष्मान अरे उधर ले यार ले यहां पे हां यहां देखिए अभी आ देखिए आधे टाइम नंबर अरे यार अरे तुम भूमि बार बार में पीछे मत डालो चले ना मेरा अगर फोन बिगड़ा ना बैठ गया आया ना कुर्सी है जिसका इवेंट है सब वही खिला रही है
अरे अजय पानी ले भाई। अरे सर ये लो ना। कौन है? तुलसी कुमार। कौन है? तुलसी गुलशन कुमार। क्या रही है? ये रितेश, रितेश अरे हटो ना मैं मारे हो मैडम हटो। ऐश्वर्या 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 तो मैम ऑल ऑफ यू योर राइट लेफ्ट 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 ये डबल वाली तो खत्म हो जाएगा। मैम हियर 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 योर लेफ्ट मैम या वेल थैंक यू डुकाटी डुकाटी है मिथुन है सिंगर है चुप रहे चुप रहे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं नहीं मिथुन चक्रवर्ती रंग कलर्स के संग सलाम श्री गुलशन कुमार। पूरी शाम है जहां पापा को ट्रिब्यूट दिया जाएगा और उनके किए गए काम को सराहा जाएगा। बहुत बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए। मेरे पापा का जो हाथ रहा है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में, हम पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी आज इसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं एज उनकी बेटी एज ऑल्सो अ सिंगर एक बहुत स्पेशल गाना उनके लिए आज परफॉर्म करने जा रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ इस मंच पे परफॉर्म होगा आज पहली बार, जिसका नाम है मेरे पापा। एंड जीत दा ने खूबसूरती से लिखा
गीत बनाया है वो मनोज जी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, तो आज ये मेरे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल दिन है। आई थिंक उनकी सारी जो 90s में उन्होंने जो भी काम किया था, बट अगर आप मेरा फेवरेट पूछें तो आशिकी फिल्म के जो गाने हैं मेरे लिए। डेफिनेटली भाई का बहुत बड़ा हाथ है ये पूरे पूरे बिजनेस को आगे लेके जाने में, और आई रियली लुक अप टू माय ब्रदर एज माय फादर। ये बात मैं बहुत बार कह चुकी होने के बाद ना वो घूम के पास जाके कनेक्ट करना, वो केवल कनेक्ट नहीं, आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मेरी जमीन आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है पापा। एक और बार करना पड़ेगा। मेरी जमीन आसमां मेरे पापा, मेरे पापा मेरे पापा। थैंक यू। अरे अरुण भूमि से करा ब्लैक वाला यार। अरुण सुनो तो पीछे पीछे नीचे नीचे। ए अरुण ए अरुण 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 बॉलीवुड हंगामा का बूम ठीक करना। अरुण ब्लैक ब्लैक वाला अरुण। अरे प्लीज बॉलीवुड हंगामा का बूम ठीक करना। अरे ऑडियो ही नहीं है इसमें। अरे आप हटो ना हो। अरे मेरा ऑडियो नहीं है। अरे यार तुम फायर हो जाओ। बस सिंपल है, लाल कोट पहन लिया हूँ, पहले काला कोट पहनता था। बहुत खुश हैं हम लोग और आज टी सीरीज ने 30वां साल कंप्लीट किया, उस उपलक्ष्य में मैं मुबारकबाद देता हूं और गुलशन कुमार जी हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के एक टाइकून थे और बहुत लाजवाब काम उन्होंने किया, संगीत को फिर से उन्होंने जिंदा किया। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग आए हैं और उनकी याद में आज का ये फंक्शन हम लोग करेंगे ये शाम। अरे पायल 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 बारे में जितना भी गुलशन जी के बारे में जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि गुलशन जी अरे लिसन लिसन बैठ अपनी लगन से उन्होंने एक इतिहास बनाया और वो इतिहास कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा इतिहास बनाया संगीत में और सिटी इंडस्ट्रीज कैसे। अरे आईबीएन 7 प्लीज बैठो यार, बने पूरा बेसबॉल जा रहा है हमारे दिल में हमेशा। बाइट करूं किसको बाइट करूं? सुनाई नहीं दिया आपका। सभी जानते हैं कि गुलशन जी एक स्टॉलवर्ट रहे हैं अपने ज़माने में। ही एक्चुअली वॉज सच अ ट्रेंड सेटर व्हेन इट केम टू म्यूज़िक और बहुत सारे न्यूकमर्स को चांसेस दिए उन्होंने, और वो जो म्यूज़िक का दौर था कुछ और ही था। इतना सारा न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स सिंगर्स, तो उसी चीज़ को आई थिंक कायम रखना चाहते हैं भूषण जी। एंड आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट हिम, यू जस्ट श्रद्धांजलि किया है उन्होंने भूषण जी के लिए।
बहुत ही अच्छे थॉट के साथ उन्होंने शुरुआत की। आई एनकरेज इट कम्प्लीटली एंड आई थिंक भूषण डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब एंड इज रियली टेकिंग गुलशन जीज लेगेसी फॉरवर्ड। इट्स गेटिंग देयर, वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बट ये जो इनिशिएटिव लिया है मोदी साहब ने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है। I'm actually hydrophobic, so you can imagine how scary that must have been, but it was really beautiful. Thank you. ये आज ये दिन है पूरी बात करने के लिए। अपना ओम शांति ओम का जो टाइटल सॉन्ग है दीवानगी दीवानगी, वो गाना है और एक एंथम है टुवर्ड्स द एंड, तो उन दोनों गानों के कुछ गा रहा हूँ। बहुत सारे खूबसूरत उनके गाने हैं और हाँ ओरिजिनल वाला जो याद आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, सब और कोई सबको यही गाना गा रहे हैं, धीरे धीरे प्यार। नहीं नहीं नहीं, होस्ट करने की बात हुई थी लेकिन वो स्क्रिप्ट बना नहीं तब तक। He's young mother, live, love, love the show. And we just did a show for Bank of Baroda के लिए भी किया है show, and we're doing a lot of other corporate shows. और मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलती हूँ कि I think कि जहाँ पुराने singers का नाम आता है, I think कि शान and सोनू निगम आते हैं, only two singers जो उन्हें गा पा सकते हैं। बिल्कुल लला जी के जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा कि उस दिन हम सबको संगीत सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ लता जी स्वयं
संगीत है, उनकी आवाज़, उनकी साज, उनकी हर मतलब जब वो बात भी करती हैं तो लगता है जैसे कि यू नो सुर अमृत अमृत बह रहा है. और जितना कहें उतना कम. विश लता जी ऑल द वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. सबसे पहले आई एम हियर बिकॉज गुलशन जी वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. अरे ये देखो ये शैतान आदमी है. शैतान नहीं. मेरी बेटी काम कर रही है और ये इधर है. नहीं नहीं आई लव दिस गाय. Tiger, I wish you were from Kerala. Yeah, I'm from Kerala. I'm so well. Looking great. Yeah. So God bless you. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Just, yeah. Yeah, yeah. I'll see you inside, sir. My baggy hero. He's the baggy. हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि I'm here. यहाँ पे. भूषण जी. बहुत खुशी का मौका है. एक सपना था जो हम पापा का आगे लेके जा रहे थे, उसमें कलर्स ने उसमें अपने रंग डाल दिए और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा जो मेरे पापा का सफ़र था. तो बहुत खुशी है कि इस चीज़ को एक आँख मिल गई कलर्स की. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एंटायर टीम ऑफ कलर्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट विच वी हैव मेड इट लाइक आवर ड्रीम. बहुत इमोशनल है एक्चुअली. जब ए वी चल रही थी तो बहुत एक इमोशनल यादें आ गई थी पापा की. इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल कनेक्ट फॉर इंटायर फैमिली. सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड टच बाय द इंटायर टीम हु हैज सपोर्टेड दिस कॉज. I just want to stand by my husband and I'm feeling very happy that he's happy and he's feeling proud, so that's giving me even more happiness. Thank you so much. Thank you very much. All the best for the show and the concert. Bhushan ji. Yes, sir. 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 Yes, sir
Let's go.